तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारी एक बार वीडियो में। तो दोस्तों आज मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है क्योंकि आज हम घर से 9 बजे निकले थे और काम पे आते आते 12 बज गए, क्योंकि आज हमें जिस बाइक पर आते हैं उस बाइक में कुछ कमी आ गई थी और कमी भी बहुत भयंकर थी। उसे ठीक कराने में पूरे 3 घंटे लग गए। चलिए आपको दिखाते हैं उसमें क्या कमी आई थी। दोस्तों देखिए जब हम आ रहे थे तो इसके एक गियर में बाइक डली हुई थी तो दूसरा केस में डल नहीं पा रहा था। इसमें ऐसी कमी आई थी, बहुत कोशिश करी तो रास्ते में हमने किसी मिस्त्री को दिखाया, बहुत मौका अच्छा था जो हमें मिस्त्री मिल गया था। तो उसने पूरा ये इंजन खोला था और बता रहा था इसमें इसकी स्प्रिंग टूट गई है। तो मैंने कहा हमें तो इतनी जानकारी नहीं है, तुम इसे ठीक करो। तो गाइस उसने पूरा इंजन खोला, उसे दोबारा बांधा और जब भी उसके बाद भी ठीक नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे मुझसे नहीं हो रही, किसी और मिस्त्री के पास ले जाओ। उस मिस्त्री को ज़्यादा जानकारी नहीं थी तो हम फिर किसी दूसरे मिस्त्री के पास लेके गए। फिर उसने भी पूरा इंजन खोला तो उसने स्प्रिंग डाली और जब करके दी। तो दोस्तों आज बहुत दिमाग ख़राब हो गया, बाइक में पूरे 3 घंटे लग गए। जब जाके ठीक हुई उसके बाद उसने हमने पूछा कितने पैसे लगेंगे तो उन्होंने बताया हमें 300 रुपये हो गए आपके। तो गाइस आप भी इसी बातों का ध्यान रखें, बाइक में ऐसी भी कमी आ सकती है। हमने ये कमी के बारे में खुद पहली बार सुना था, ऐसी कमी तो हमने कभी देखी भी नहीं बाइक में। मतलब एक गियर डलने के बाद दूसरा गियर नहीं डलने वाला था, न्यूट्रल नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो आज कमी आ गई, हमने ऐसी कमी खुद पहली बार देखी थी। फाइनली हम काम पे जैसे तैसे कैसे पहुँच ही गए, लेकिन 12:30 हो रहे हैं अभी। तो गाइस हालांकि बहुत सूख रहा, प्याज भी बहुत लग रही है। अब पहले हम काम पे बैठते हैं और पहले कुछ खा पीते हैं, उसके बाद काम पर बैठते हैं। ठीक है गाइज, आपको यही बताना था, आज का दिन बहुत हमारा ख़राब हो गया। तो चलते हैं, मिलते किसी और बढ़िया वीडियो।